माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के साथ वादा किए थे कि हम CAA कानून लाएंगे और उसको उन्होंने पूरा किया। कोई नाराजगी है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कहीं कोई खटपट नहीं है, कोई खटपट नहीं। तेजस्वी जी के कारनामों का बिहार नहीं जानता है क्या? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज पटना पहुंचते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कल NDA की बैठक थी दिल्ली में और उस बैठक में 2024 के लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा होनी है। इसको लेकर अब सवाल किया गया कि क्या कुछ NDA में सब कुछ ठीक चल रहा है, सीटों का बंटवारा समय पे हो जाएगा, इसके साथ ही क्या चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, क्या चिराग पासवान NDA में है, इसको लेकर नित्यानंद राय ने साफ तौर पे कहा कि सब कुछ NDA में ऑल इज वेल चल रहा है। इसके साथ ही क्या कुछ कहा नित्यानंद राय ने, पहले आप उनके बयानों को सुने। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के साथ वादा किए थे कि हम CAA कानून लाएंगे और उसको उन्होंने पूरा किया है, जो आज CAA कानून के खिलाफ बोल रहे हैं उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई। अपने पड़ोसी 3 देशों में जहां धर्म के आधार पर उनके साथ अन्याय होता था, उनकी संपत्तियां लूट ली जाती थी, जला दी जाती थी, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी, जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाते थे, उनके साथ मारपीट की जाती थी, हत्या कर दी जाती थी, परिवार के सामने, बेटे के सामने, पुत्र की, पुत्र के सामने, पिता की, भाई के सामने, बहन की, बहन के सामने, भाई की, और इस तरह का जो अत्याचार अनाचार हो रहा था, जिसके कारण वह प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेकर आ गए, उनको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए न्याय किया है माननीय प्रधानमंत्री जी। आज जो CAA कानून का जो विरोध कर रहे हैं उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई है, और यह वोट के लालच में तुष्टिकरण के तहत यह कर रहे हैं जो अच्छी बात नहीं है। बंगाल है, तमिलनाडु, केरला है, ये जैसे राज्यों में बोले विरोध कर लागू नहीं। देखिए, वो जो भी हो, कोई राज्य हो, कोई पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो, अगर इस कानून का विरोध कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर मानवता समाप्त हो गई है और सत्ता के लालच में, वोट के लालच में तुष्टिकरण के तहत इस प्रकार का वह विरोध कर रहे हैं। बिहार में लागू होगा क्या सर? सीट बंटवारे में लेकर क्या कुछ हो रहा है? पूरे देश के लिए यह कानून आया है और 40 की 40 सीट बिहार में जीते। सर, चिराग पासवान नाराज चल रहे थे? कोई नाराज नहीं, चिराग पासवान कहीं से कोई नाराज, कहा जा रहा कि चाचा भतीजा में काफी, कोई नहीं, चिराग जी में कोई नाराजगी है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जल्द हो जाएगा सीट बंटवारा? हाँ, एकदम जल्द। चिराग पासवान और उनके जो चाचा जी है उनको लेकर RJD बड़ी मजा ले रही है, कह रही है कि उलझन है, उठा पटक चल रहा है। RJD क्या मजा लेगी, RJD तो ऐसे ही समाप्त हो चुकी है। जो परिवारवाद की पार्टी है, जिसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार और घोटाला है, गरीबों को लूटना है, वो क्या बोले? NDA में कोई खटपट नहीं है? कहीं कोई खटपट नहीं है, कोई खटपट नहीं है। जल्दी बंटवारा हो जाएगा, सीट बंटवारा बहुत जल्दी हो जाएगा। तेजस्वी यादव अभी भी जो काम किए गए 17 महीना उसका उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वीडियो जारी कर रहे हैं। आप तेजस्वी जी के कारनामों का बिहार नहीं जानता है क्या? उनके अत्याचार को कौन नहीं जानता है? नफरत की राजनीति करने वाले, सिर्फ अपने परिवार के लिए गरीबों की खून चूसने वाले, उसका हक मारने वाले और हमेशा अपराधियों को संरक्षण देने वाले तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? आरजी क्या बोलेंगे? का वीडियो जारी कर रहे हैं, 17 महीने उन्होंने क्या किया है, सब कह रहे हैं, घर घर दिखाएंगे लोग। भाई 17 महीने का क्या जारी करेंगे? 17 महीने में जो उनके कारण बिहार की विधि व्यवस्था चौपट रही है, विकास उनके कारण बाधित रही है और अपराधियों को जो संरक्षण मिलता था RJD और तेजस्वी जी के द्वारा, जिसके कारण ही तो नीतीश जी तबाह थे और NDA में आए, और नीतीश जी बिहार का विकास चाहते थे। माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा देश के गांव गांव, घर घर, जन जन, शहर शहर पहुंच रहा है,
उसको बिहार में नीतीश जी को करने नहीं तेजस्वी जी देते थे, तो वो अपराधियों को संरक्षण देने वाले, लूट खसोट की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार और अब परिवारवाद की नीति के तहत राजनीति करने वाले, क्या बोले मुकेश सहनी का भी खिलाफ, उसके खिलाफ जो है आरा कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है और कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एक अप्रैल को खराब हो गया है। सनातन का विरोध करना बहुत ही किसी भी इंडी गठबंधन के नेता का संस्कार स्वभाव बन गया है। सनातन को गाली देना, सनातन की संस्कृति की बुनियाद पर भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसको गाली दे रहे हैं, सब वोट के लिए कर रहे हैं, ओछी राजनीति करने वाले लोग, ओछी मानसिकता के लोग सनातन को गाली दे रहे हैं। एक अप्रैल को उपस्थित होने का आदेश दिया है कोर्ट ने, आरा कोर्ट में। हम आरा कोर्ट में है, न्यायालय का जो फैसला आएगा सही आएगा, और सनातन को गाली देना इस सनातन की भूमि पर मुकेश सहनी का भी। तो आपने सुना साफ तौर पर नित्यानंद राय सीए को लेकर भी कह रहे हैं कि जिस तरह से कानून देश में आया है इससे बलात्कार और तमाम जैसे अपराध हैं जो घटनाएं हैं उसमें कमी आएगी। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के वीडियो को लेकर कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव 17 महीने में काम किए हैं उस 17 महीने में बिहार का विकास बाधित हुआ और अपराध बढ़ा, वो क्या बताएंगे। उनमें बताना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ काम किया है। इसके साथ ही तमाम जो सीट शेयरिंग को लेकर बात हो या चाहे जो कल बैठक हुई है दिल्ली में एनडीए की, उस बैठक में जो सीटों पर चर्चा हुई इसको लेकर सब कहा कि सब कुछ अब एनडीए में ऑल इज वेल है। इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो, क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।